जिमी ये तुम्हें क्या हुआ? ओए जिमी क्या हुआ तुम्हें? पापा मेरी तबीयत बहुत खराब है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। जी सर, इसकी वो नेक की और हेड की होनी है सर्जरी। पापा मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, तकरीबन मैं मेरा सर चकरा रहा है। जिमी 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 Hey, what's up guys, it's your boy AmiBex and we're back with another GTA 5 real life mods video. तो कैसे हो यार गाइज, उम्मीद करता हूँ बिल्कुल ठीक ठाक हो गए। तो बॉयज़ सीन ये है कि इस वीडियो को तुम लोग एंड तक लाजमी देखना, ठीक है? काफ़ी मेहनत लगी है इस वीडियो को बनाने में। और हाँ यार, अगर तुम लोग चैनल को नहीं हो तो यार क्या कर रहे हो यार, जाओ सब्सक्राइब बटन दबाओ और बेल आइकन पे क्लिक करो, साथ में जो नोटिफिकेशन हैं उनको ऑल पे कर दो। बाकी यार तुम लोग वीडियो को इन्जॉय करो। यार ये जिमी पता नहीं कहाँ रह गया, इतनी देर से इसका इंतज़ार कर रहा हूँ। उसने बाइक पे आना था अभी, मैंने तालियां बजानी थी उसके लिए, पता नहीं अभी तक आया नहीं है। चलो खैर, किसी भी वक्त आता ही होगा, उसको अप्रिशिएट भी करेंगे। और गाड़ी तो बड़ी अच्छी मेरी पॉलिश हुई खड़ी है। हाँ कितनी देर हो गई यार, टाइम तो देखें ज़रा यार, 2:34 हो रहे हैं, मैं और उसका कितना वेट करूँ। मेरा ख्याल है कहीं दोस्तों के पास निकल गया होगा, यकीनन मुझे पता है। क्या यार फ्रैंकलिन ने भी क्या काम किया है। ओह अच्छा तुम लोग भी हो, ओह ओ क्या हाल है। अच्छा कैसे हो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर रियल लाइफ मॉड्स वीडियो। बस जिमी का यार मैं इंतज़ार कर रहा हूँ, किसी भी वक्त आता ही होगा। खैर अब अमेंडा से चाय पीते हैं। हाँ मैंने तो सुबह भी चाय नहीं पी थी अमेंडा से। चलो सही है, सुबह चाय नहीं पी थी, अब ज़रा अमेंडा को जाके कहते हैं। अमेंडा अमेंडा कहाँ हो तुम? ओह अमेंडा क्या कर रही हो? यार एक मिनट चुप करो, मुझे लगता है शायद एक पिंपल है मेरे मुंह पे। दिखाओ। नहीं तो नहीं है कोई पिंपल तुम्हारे ऊपर, तुम ऐसे टेंशन ले रही हो। अच्छा अमेंडा एक हेल्प चाहिए थी। हाँ माइकल बोलो। यार सुबह मैंने ना चाय नहीं पी थी, तो मेरा ख्याल है सुबह वाली चाय ना वो जो नीचे बर्तन वाली मासी है ना उस मनहूस ने धो दी होगी, सो प्लीज़ मुझे ज़रा नई चाय बना दो। माइकल यार तुम्हें मैंने इतनी मेहनत से चाय बना के दी थी, अब तुम्हें फिर चाहिए चाय? मुझे ज़रा पिंपल देखने दो। यार अमेंडा तुम इतनी खूबसूरत हो, मान जाओ ना मेरी बात, तुम्हें तस्वीर लेने की क्या जरूरत है, तुम्हारे ऊपर पिंपल ने भी कोई असर नहीं करना। ओ माइकल अब मैं यहाँ पिघलने नहीं वाली। यार अमेंडा चाय बस बना के दे दो, फिर बेशक जो करते रहना करो, मैं बस जिमी का इंतजार कर रहा हूँ, पता नहीं कहाँ है वो। अच्छा जाके नीचे बैठो, मैं आ रही हूँ। चलो यार नीचे चलते हैं। अमेंडा को अगेन गुस्सा आ गया एज यूजुअल, जो कि उसे आता रहता है आजकल। यार मेरी खांसियाँ बड़ी आ रही हैं, पता नहीं क्या वजह है। बाहर का मौसम तो चेक करें, इस वक्त जिमी भी शायद आ जाए। पानी भी ठंडा है, धूप भी निकली हुई है, मौसम ही मौसम है भाई, चेक करो। अब क्या टाइम हो रहा है यार? 2:40 हो रहे हैं, मैं लगता है जिमी के पास कहीं जाना पड़ेगा। गाड़ी निकाल के जा रहा हूँ देखने जिमी कहाँ है। एक मिनट, ये किसकी कॉल आ रही है? हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी भाई कौन बोल रहा है? हाँ यार मैं ना एक बंदा हूँ, मैं ना तुम्हारा बेटा होगा जिमी, तुम उसको जानते हो, तुम्हारा ही बेटा है ना? हाँ हाँ जिमी मेरा बेटा, क्यों क्या हुआ, कोई खैरियत थी? यार एक्चुअली ना तुम्हारा बेटा ना स्पीडिंग कर रहा था बाइक की, तो ना मेरी गाड़ी के ना नीचे आ गया, और वो बेचारा उसको EMS ले गई है। क्या नहीं करो यार, ऐसा क्या हुआ यार, प्लीज़ ज़रा मुझे और इन्फॉर्मेशन तो प्लीज़ यार, वो मेरा बहुत अच्छा बेटा यार, बताओ क्या हुआ है? यार भाई मुझे कुछ खास नहीं पता, बस मुझे यही पता है कि वो स्पीडिंग कर रहा था, मैंने फुल कोशिश की है ब्रेक लगाने की लेकिन वो नहीं लगी, इसलिए मैं क्या कर सकता हूँ, आई ट्राइड माई बेस्ट, मैंने उसके लिए EMS बुलाई है, उसे डॉक्टर्स वगैरह आके ले गए हैं। अच्छा यार प्लीज़ बता दो कहाँ, कोई इन्फॉर्मेशन कहाँ पे यार, प्लीज़ मुझे जल्दी बताओ। हाँ यार ये जो ब्रिज है ना उसके ऊपर कहीं आपका बेटा हुआ है एक्सीडेंट, तो वहाँ से आपको उसका EMS लेके ना ले गए हैं। यार अच्छा और इन्फॉर्म प्लीज़ यार, उसकी हालत कैसे, मुझे कुछ बता सकते हो? नहीं भाई मुझे बस इतना ही पता। अच्छा यार बात सुनो, हेलो हेलो यार उसने कॉल काट दी यार, शिट यार जिमी का एक्सीडेंट हो गया, ये कैसे हो सकता है, सारी गलती उस फ्रैंकलिन की है, उस वक्त उसकी बात ना मानता ना तो सही था, अब ज़रा अमेंडा को मैं कैसे बताऊँ, अमेंडा ने मुझे जान से मार डालना है। यार अंदर जाऊँ या ना जाऊँ, चल यार कोशिश करता हूँ। यार हाथ कहाँ पर हैं मेरे,
बल्कि मेरा पूरा जिस्म ही कांप रहा है यार। जिमी को ऐसा क्या हो गया है? यार एक मिनट, सबसे पहले मैं ना फ्रैंकलिन को कॉल करता हूँ, उसकी तो तबीयत करता हूँ ना सेट। अरे वाह यार, नज़ारा तो बड़ा अच्छा है। इसी खूबसूरत नज़ारे में यार जिमी भी चला रहा होगा अपनी बाइक और मज़े से अपने बाप को दिखाएगा। माइकल भी यार अब खुश हो जाएगा जब वो देखेगा जिमी बाइक खिला के जा रहा है। क्या यार, जिमी की जो खुशी मैंने देखी थी ना। ये किसकी कॉल आ रही है? हेलो, हाँ फ्रैंकलिन, क्या हाल है? हाँ माइकल, मैं ठीक। क्या हुआ, खैरियत? फ्रैंकलिन यार, बहुत बड़ा मसला हो गया। क्या हुआ माइकल? यार जिमी का एक्सीडेंट हो गया। क्या, जिमी का एक्सीडेंट हो गया? कैसे? बस फ्रैंकलिन, उस वो वजह तुम वैसे भी जानते हो। क्या, बाइक से हुआ है? यप, बाइक से हो गया। ओए होए यार, ये तो नहीं होना चाहिए था, ये कैसे हो गया? बस फ्रैंकलिन यार, मुझे बड़ा अफसोस हो रहा है, तूने उस वक्त मुझे बाइक पे जब मजबूर किया ना। अब मैं तुझे यार अब क्या कहूँ यार। माइकल, अब मैं तुझे पता तो है यार, मुझे लगा जिमी मैच्योर होगा, उससे ये गलती नहीं होगी। फ्रैंकलिन यार, बस अब मैं क्या कर सकता हूँ, उसकी हालत तो ख़राब होगी है ना। अब वो हॉस्पिटल में है, जल्दी हॉस्पिटल में आ। अच्छा, कौन सा हॉस्पिटल है? कंट्री साइड वाला हॉस्पिटल, उसके यहाँ पे नहीं होगा, यहाँ पे डॉक्टर्स ने कहा यहाँ पॉसिबल नहीं है, वहीं पे है, तो मैं वहीं जा रहा हूँ। अमेंडा को भी लेके तुम भी आ जाओ। अच्छा चलो माइकल, मैं भी आया। बिल्कुल मैं भी आया। ओके ओके, अल्लाह हाफिज़। चलो यार, जिमी को यार ये कैसे हो गया यार, मुझे तो लगा नहीं होना चाहिए था कोई मसला। गराज खुली यार, यार ये मसला तो नहीं होना चाहिए था, पता नहीं क्यों हो गया मसला। हालांकि यार जिमी ने उस वक्त भी मुझे कहा था कि उसे बाइक चलानी आती है, पता नहीं ऐसा क्या हो गया, उसने तो कहा था मुझे बाइक भी चलानी आती है। चलो मैं चलता हूँ। अब जरा मेंडा से कैसे निपटूं यार, मुझे कुछ हो रहा है। माइकल तुम फिर आ गए यहाँ पे? अमेंडा एक बात सुनना। बोलो माइकल, क्या प्रॉब्लम है? यार अमेंडा, तुम्हारा बेटा है ना जिमी, हमारा बेटा जिमी। हाँ हाँ, आगे बोलो। यार उसका एक्सीडेंट हो गया। क्या, कैसे, मेरे बेटे को क्या हुआ है? मुझे जरा जल्दी बताओ क्या हुआ है। यार अमेंडा, मैंने ना एक्चुअली उसे बाइक ले दी थी तो। माइकल यार तुम बहुत पागल हो, मैं तुम्हें आज से बात भी नहीं करूंगी तुम्हारे साथ। छोड़ो इस बात को, मेरे साथ हॉस्पिटल चलो, वो ऑपरेशन करवा रहा है अपना, ऑपरेशन थिएटर में है, लेकिन अभी डॉक्टर से नहीं रिसीव कर, कहते हैं पहले पैसे दो। मेरे साथ चलो, हम उसको देख जाते हैं क्या हालत है उसकी। मोबाइल से उसे जल्दी निकलो। माइकल निकल रही हूँ तुम्हें तो यार, जैसे उसे बड़ी फिक्र है ना उसकी, मैं निकल रही हूँ, तुम्हें क्या प्रॉब्लम हो रही है? अच्छा जल्दी आओ यार, अब जिमी की हालत बहुत सुवेर है, जल्दी आओ। चलो आ जाओ। वैसे माइकल यार तुम बहुत बदतमीज हो यार, तुम्हें किसने कहा था कि उसे बाइक ले दो? तुम्हें पता तो है उसे नहीं ले देनी थी, उस अभी वो इतना मैच्योर नहीं हुआ। बस यार अमेंडा, मेरी गलती नहीं है, फ्रैंकलिन की गलती है, बस मैं क्या कर सकता हूँ। तुम आओ गाड़ी में बैठो मेरे साथ, हम चलते हैं उसको देखने। वैसे भी हमने आगे जाना है शहर से बाहर, उस हॉस्पिटल में गया है, यहाँ उसका इलाज नहीं हो रहा। चलो मेरे साथ। मैं तुम्हें देख लूंगी अब। मेंढक को बंदा क्या खाए? क्या बोला? कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं बोला। वैसे माइकल सारी स्टोरी शुरू कहाँ से हुई है? यार एक्चुअली अमेंडा, जब आज मैं उसे कॉलेज छोड़ने गया था ना जिमी, तो ना वो मुझे कह रहा था कि पापा मुझे बाइक ले दें। मैंने उसे कहा बेटा अभी नहीं, अभी आप इतने मैच्योर नहीं हुए, थोड़े मैच्योर हो जाओ फिर आपको ले दूँगा। लेकिन वो तो शुरू ही हो गया था, मतलब मेरे पीछे पड़ गया था, मैं क्या करता। ऊपर से ना फ्रैंकलिन आ गया। अब फ्रैंकलिन, तुम कहोगी फ्रैंकलिन कैसे आ गया, तो फ्रैंकलिन का इसमें क्या हाथ है? फ्रैंकलिन एक्चुअली ना कॉलेज के बाद आया था, जब जिमी की छुट्टी हो गई थी, तो ना तब ये हुआ था कि वो खड़ा हुआ था तस्वीरें लेने, पता नहीं क्यों खड़ा हुआ था, लेकिन तस्वीरें लेने खड़ा हुआ था। तो ना उसने ना जिमी को आते देखा है, तो वो कहते ये कौन है? मैंने कहा ये मेरा बेटा है जिमी। वो कहता अच्छा, तुमने तो आज पहली बार अपने बेटे से इंट्रोड्यूस कराया। तो ना जिमी के इंट्रोडक्शन के बाद ना जिमी ना पागल हो गया, वो ना कहने लग गया कि क्या प्रॉब्लम है, पापा मेरी बात क्यों नहीं सुनते। फिर उसने फ्रैंकलिन को ना सारी सिचुएशन बता दी।
फिर फ्रैंकलिन ने कहा, यार माइकल तुम्हें शर्म नहीं आती, तुम्हारा इतना अच्छा बेटा है? मतलब दिल में तो यार वो यही सोच रहा होगा ना। तो फिर मैंने उसे फ्रैंकलिन के सामने अच्छा तो बनना ही था, मैंने उसे फिर बाइक का कह दिया कि फ्रैंकलिन इसे बाइक लेके दे दो। तो ये बात है, उल्लू के पट्टे टक्कर मार दिया कार को। पर माइकल तुम्हें शर्म आनी चाहिए, तुम उसके बाप हो या फ्रैंकलिन? मुझे तो लगता है तुम उसके बाप हो ही नहीं, तुम्हारा भी बाप फ्रैंकलिन है, हर वक्त उसकी तुम सुनते हो। अमेंडा, पर उसके सामने अच्छा भी तो बनना था ना, मैं क्या करता? पर माइकल तुम्हें एक बात बताऊं, तुम्हें बिल्कुल अकल नहीं है, तुम्हें पता तो है उसने इन कामों में पढ़ना था। तुम अमेंडा, मैंने उसको रोका तो था, मैं और क्या करता? अब प्लीज अब इस मामले को रोको, अब उसको जाके देखते हैं, प्लीज अब चुप हो जाओ। तुम चुप हो जाओ, हर वक्त मुझे सुनाते रहते हो, मैं तुम्हारी बीवी हूँ, तुम्हें शर्म नहीं आती? अच्छा अमेंडा, बस अमेंडा यू आर बॉस। मैं और ट्रेवर को भी कॉल कर देता हूँ ताकि उसे पता हो कि हम भी आ रहे हैं, ट्रेवर को भी पता हो ना। अच्छा वही वो जो गंजा है? हाँ वो गंजा नहीं है, वो मेरा एक दोस्त है ट्रेवर। अच्छा यार जो भी है तो गंजा ना। हाँ हाँ ठीक है, गंजा ही है, मैं जरूर उसे कॉल करके कहता हूँ। अरे यार आज मेरे को तो नया घर लेना है यार, क्या यार मैं इसी गाड़ी में ही फंसा हुआ हूँ, उसको सही गाड़ी मिल गई है फ्रैंकलिन को, मैं इसमें फंसा हुआ हूँ, क्या यार शुक्र है पुलिस से बच गया हूँ। चलो यार रॉन के पास से निकलते हैं, उसको कहते हैं नया घर का फिर डीलर बताए। कहाँ है रॉन? अरे रॉन जहाँ पे भी है तू, मैं वापस आ रहा हूँ घर, मेरे घर का इंतज़ाम कर ले, नहीं तो मैं तेरी हड्डी पसली एक कर दूँगा। चल जीप अपनी फुल स्पीड में मुझे ले जा, उल्लू के पट्टे आहिस्ता चला। हाँ ऐसे चला, अब हुई ना बात। एक घड़िया इसकी कॉल आ रही है, हेलो हेलो हेलो, एक बंदे की कॉल आ रही है, तुम साइड पे हो? हाँ हेलो, कौन है? हेलो ट्रेवर, क्या हाल है? ओए माइकल कैसा है यार? ट्रेवर मैं बिल्कुल ठीक नहीं हूँ। अरे क्यों, क्या हुआ यार, कोई खैरियत थी? यार ट्रेवर तुम्हारा जो दोस्त है ना उसके बेटे का एक्सीडेंट हो गया। क्या, जिमी का एक्सीडेंट हो गया? हाँ जिमी का एक्सीडेंट हो गया। यार ये तो नहीं होना चाहिए था, कैसे हुआ ज़रा मुझे तो बताओ। यार फ्रैंकलिन जिसको तुमने गाड़ी चोरी की थी ना जिस भाई साहब के लिए, उसने उसको बाइक दिलवा दी और आखिरकार वो स्पीडो में फरार होते उसका एक्सीडेंट हो गया। अरे यार बड़ा अफसोस हुआ। तो यार तू आके उसे देख सकता है हॉस्पिटल? यार मैं ज़रूर आता, बस मैं अपने ना मसलों में फंसा खड़ा हूँ, एक पुलिस वाले मसले में फंसा खड़ा हूँ जो गाड़ी वाला है, और दूसरा यार मैंने ना अपना एक नया घर लेना, उसमें अगर ये इश्यूज़ ना होते मैं ज़रूर जिमी को देखने आता, लेकिन यार उसके लिए सॉरी अभी मैं नहीं आ सकता, बाद में बात करेंगे। चलो सही है। हाँ ओके चलो यार रॉन के पास तो चलें। यार जिमी के साथ ये क्या हुआ है पता नहीं। यार ट्रेवर अपने कामों में मसरूफ़ है, वो पता नहीं अपने किन कामों में मसरूफ़ है, मुझ पे ही उल्टा गुस्सा करने लग गया। चलो यार जिमी अपने बेटे को देखते हैं। यहाँ पुलिस भी आई हुई है, इन्हें भी पता होगा ऐसा कुछ हुआ है। आ जाओ मैंने अंदर चले। हाँ हाँ आ रही हूँ। आओ मैंने चले। यार जिमी कहाँ है, मुझे उसको देखना है यार, मुझे बड़ा उसका हो रहा है। एक्सक्यूज मी मैम, जिमी किस तरफ है? वो डॉक्टर उसे किसी बच्चे को ले आओ। आप बिल्कुल राइट जाए, उधर से अंदर जाए। चलो ठीक है। अमेंडा बाहर क्यों खड़ी होगी, हो अंदर तो आओ। अमेंडा डर के खड़ी होगी। माइकल बस मुझे थोड़ा अफसोस हो रहा है, मैं इसलिए उसे देखना नहीं चाह रही। कुछ नहीं होता अमेंडा, एक बार आके देखो। आ जाओ उसको एक बार आके देखो तो सही। बाय द वे आप काफी खूबसूरत हैं। एक्सक्यूज मी, ओह सॉरी सॉरी। अमेंडा का अमेंडा भाई भी होगी यार। अच्छा इसने कहा था राइट, राइट तो नहीं है, तो मेरा लेफ्ट है शायद, उसका राइट हो और ये लेफ्ट। हाँ कहाँ है ये रहा जिमी? जिमी कहाँ है जिमी? ये तुम्हें क्या हुआ? ओए जिमी क्या हुआ तुम्हें? पापा मेरी तबीयत बहुत खराब है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। डॉक्टर यार ये जल्दी बताओ प्लीज़ यार, क्या हाल है इसका? सर हम इसका कुछ नहीं कर सकते, इसका कोई ख़ास हल नहीं है,
बहुत ही क्रिटिकल सिचुएशन है सर, आपको कुछ करना पड़ेगा। यार मैं क्या कर सकता हूँ मुझे बताओ। सर इसकी ना एक्चुअली में ना क्या कहते हैं सर्जरी होनी है नेक की और हेड की। यार आप थोड़ा ना जल्दी में बोल रहे हैं। जी सर इसकी वो नेक की और हेड की होनी है सर्जरी, तो उसमें मैं क्या कर सकता हूँ। सर बस आपको चार्जेस भरने की देर है। माइकल जल्दी चार्जेस पढ़ो, बाहर में जाए इसके चार्जेस, इसे चार्जेस की पड़ी है। बताओ कितने चार्जेस चाहिए तुम्हें। सर ये इसके बनेंगे $10,000 बनेंगे। माइकल निकालो $10,000। $10,000 और तो कुछ नहीं चाहिए ना। नहीं सर और कुछ नहीं चाहिए। जिमी ठीक हो तुम? पापा मेरी तबीयत बहुत ख़राब है पापा, मुझे कुछ समझ नहीं आया, तकरीबन मैं मेरा सर चकरा रहा है पापा। जिमी 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 डॉक्टर मैं तुम्हें पैसे दे रहा हूँ। जी सर फिर आप मुझे दे दे पैसे। यार मैं मैडम मैं एटीएम से पैसे निकलवा के अभी आया, तुम जिमी का प्लीज़ ख्याल रखना। ओके माइकल। यार ये जिमी को मैं कुछ होने नहीं दे सकता, पैसे निकलवा के आया, बाहर ही लगा हुआ है एटीएम मशीन। चलो यार अब चलते हैं। यार अब जिमी को यार मैंने बाइक लेके दी थी, मुझे भी यार यही लगा था कि इसे कुछ खास नहीं हुआ होगा, पता नहीं क्या होगा, जाके देखें हॉस्पिटल में। माइकल अब खड़ा होगा चित्ता होके, मुझे सही पकड़ेगा। यार मेरी भी गलती है, मैंने उसे अपनी गारंटी की मुदी के एंड में मुझे पकड़ लेना। अमेंडा भाभी भी खड़ी होंगी, यार अब मैं क्या मुँह दिखाऊंगा। चलो कुछ करते हैं यार बात, जिमी यार अपना ही यार है। यार अब यहाँ अंदर हमने कहाँ से जाने, इससे पता तो करें। एक्सक्यूज़ मी ये दो मियाँ बीवी आए होंगे अपने बेटे को देखने, कहाँ पे मिलेंगे? यहाँ से राइट फिर यहाँ से लेफ्ट। अच्छा चलें ठीक है, कुछ समझ ही नहीं आई यार मुझे, पता नहीं क्या बोली है ये। अंदर जाके देखते हैं। माइकल यार प्लीज पैसे निकलवाओ यार। यार अमेंडा निकलवाओ। माइकल क्या हुआ? ओ फ्रैंकलिन यार देख लो यार इसकी क्या हालत हुई खड़ी जिमी की, बेचारा हिल ही नहीं सक रहा, बहुत बुरी हालत है यार, मुझे हो रहा है अफसोस। यार फ्रैंकलिन देख यार सारी तेरी गलती है, तूने अभी है उसका हालत करा, उस देख यार वो हिलने के लायक ही नहीं है, उसकी शक्ल तो देख कैसे उसकी शक्ल है, देख यार। यार माइकल मुझे नहीं पता था, मुझे लगा काफ़ी मैच्योर इनफ होगा इसकी, मुझे बातों से लग रहा था। फ्रैंकलिन यार अभी तू बच्चा है, तू अभी खुद भी जज नहीं कर सकता। फ्रैंकलिन यार आपको ऐसे तो नहीं करना चाहिए था। यार मैं क्या करूँ, मैं कोशिश करता था, अब मुझे इसको बाइक दिलवानी थी, वो उसकी विश थी अच्छी खासी विश, मैं अब क्या करता। बहरहाल फ्रैंकलिन भाई आपको ना थोड़ी शर्म आनी चाहिए। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी भाभी, मेरी ये इंटेंशंस नहीं थी। बहरहाल आपकी उस जिमी की मैं तबीयत देखने के लिए भी आया हूँ, साथ में जिमी को मैं कंपनी भी करने आया हूँ, आप लोग अपना काम करना चाहें तो कर सकते हैं। नहीं यार फ्रैंकलिन ऐसी कोई बात नहीं, वो तो हम लोग भी हैं, चलो तुम भी आ गए हो तो चलो इस तरह जिमी की हौसला अफजाई हो जाएगी। चलें ठीक है मैं ज़रा आ रहा हूँ दो मिनट में, आप लोग देखें मैं भी आया। चलो ठीक है यार, अब दोनों से मुझे सही वाली डांट पड़ गई है, आइंदा के बाद यार मैं तो जिमी की नहीं मानूंगा, उसने मुझे सही फंसवाना है। दो मिनट यहाँ बैठता हूँ, थोड़ा चाय का इससे पूछते हैं, यहाँ कहीं से चाय मिलती है? No chai, no nothing. अच्छा चलें सही है, चलो यार यहाँ पे बैठ जाते हैं। अरे मेरे को गाड़ी बगाने को पसंद है, ओए यार मैंने अपना नया घर लेना, काफ़ी टेंशन में हूँ। ये आ गया मेरा घर, क्या यार खटारा सा घर है, मैं इसका चार डालूँगा। चल भाई ये कौन? ओए बुढ़िया रॉन कहाँ गायब हो गया? रॉन बुढ़िया यार ये तो गायब ही हो जाता है कहीं पे, एक तो मैंने अपना नया घर लेना है, ऊपर से मेरा नौकर नहीं खड़ा। ओए बुढ़िया यार अभी खड़ा तो था, एक मिनट नीचे तो नहीं खड़ा, हटो यार यहाँ से, कहाँ है रॉन? ओए बुढ़िया रॉन क्या कर रहा है? ओए मेरे को थोड़ा सा पानी भरने दे कंटेनर में, तेरे को प्रॉब्लम हो रही है। ओए बुढ़िया रॉन तेरे भाई ने नया घर लेना है, तू क्या अब कर रहा है यहाँ खड़ा होकर, अपने कामों में मसरूफ है। बुढ़िया रॉन ऐसा ना कर, मुझे जरा घर दिलवा दे, कोई प्रॉपर्टी डीलर तू जानता है? हाँ जानता तो हूँ, भट्टी प्रॉपर्टी डीलर, बड़ा एक फेमस प्रॉपर्टी डीलर है, तेरे को अच्छा सा घर दिलवा देगा,
तू यहाँ पे रेस्ट करेगा, मेरी मदद भी करेगा, चल मेरे साथ। यार मैं अभी कसमें बड़ा थका हूँ, सुबह से काम पे लगा हूँ। चल यार तू तो है ही कोई बदतमीज। अच्छा मुझे बता रास्ता कहाँ है, वो रहता कहाँ है, या उसकी कोई प्रॉपर्टी डीलिंग शॉप बता। ये देख यार कितना खटारा घर है, ये देख हर जगह सामान ही बिखरा पड़ा है, ये देख मिट्टी से भरा हुआ मेरा कचरे वाला घर है, मैं क्या करूँ, मैंने इसको बदलवाना है। मुझे उससे कोई आइडिया तो हो कि नए घर होते कैसे। यार ट्रेवर तू जाएगा ना बार्बर शॉप के करीब होगी, या एक बल्कि बार्बर शॉप के करीब तो घटिया वाला प्रॉपर्टी डीलर है। अच्छा फिर मैं कहाँ जाऊँ, तू यार एक तो बोलता बड़ा स्लो है। यार तू ना उधर जा, कटिंग वाला है ना, कटिंग वाले की बिल्कुल राइट साइड पे होगा भट्टी प्रॉपर्टी डीलर। खैर उसकी दुकान तो नहीं लेकिन वो बाहर खड़ा होता है, रोड पे बिजनेस है उसका। अच्छा सही बात है, वही खड़ा होता है। हाँ तू जाके वहाँ जाके चेक कर। चल भाई, एक गाड़ी से निकले दूसरी गाड़ी पे बैठे। ओए होए होए क्या कमाल का है ये हम पहुँच गए, हम रोड पे रोकेंगे और उतर के अब जाएंगे। अबे अब भट्टी को ज़रा ढूंढते हैं, कहाँ गए भट्टी। ये क्या है, ये क्या चीज़ है, ये तो पता नहीं पूरा फर्नीचर लगाया हुआ इसने, फर्नीचर वाला प्रॉपर्टी डीलर हो ही नहीं सकता, पता तो करें। हेलो जी। हेलो आप प्रॉपर्टी डीलर हैं? हाँ जी मैं प्रॉपर्टी डीलर हूँ, कोई प्रॉब्लम आपको? नहीं मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे आपको से एक बात करनी थी। हाँ जी बोलें। मुझे एक घर चाहिए था बड़ा अच्छा सा, मतलब अपने घर को ना रिफर्बिश करवाना था, मतलब जैसे कि क्या कहते हैं डिमोलिश करा के ना उसे ना बिल्कुल नया बनवाना था। जी सर हो जाएगा, कोई मसला भी नहीं है। फिर मैं क्या करूँ? तो आप एक काम करें। जी बताएं। आप ना ज़रा आप मुझे ज़रा अपना घर वगैरह दिखाएं, मैं उस हिसाब से आपको बताऊंगा। अच्छा ये गाड़ी आपकी है प्रियस? हाँ जी मेरी है। एनी प्रॉब्लम? नहीं नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं। क्यों आपको चलानी थी? नहीं नहीं चला के मैंने क्या करना है, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास भी बहुत कुछ है। तो सर आप अपना दिखाएंगे अपना घर, उसके मुताबिक हम आपको बताएंगे। तो फिर आप मेरे साथ ही आ जाएं अगर इतना है। जी बिल्कुल ले चलें। आ जाएं जी चलें। यार अब इसको ज़रा अपना घर दिखाते हैं, उसके बाद अपना फिट किस्म का एक घर बनवाएंगे जहाँ फुल सीन्स होंगे। ये आ रहा है मेरे पीछे। यार इसलिए मेरा स्कूटर देख के अजीब सोचेगा। सर मैं एक्चुअली गाड़ी लाना भूल गया हूँ, आप ज़रा अपनी पे ले चलेंगे? जी सर्टनली आ जाए मेरे साथ। चलें चलें मैं ले चलता हूँ, आप आएँ। आपकी गाड़ी मैं चला लूँ? हाँ जी चला लें। चलें आ जाएं। हाय हाय मज़ा आ गया इसकी गाड़ी चलाने का, मेरे को मिल गई। हाँ जी क्या? कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं। चल भाई ड्राइवर गाड़ी भगाते हैं, अपने घर की तरफ इसको ले जाते हैं। वो भी बुढ़ा था, ये भी एक नंबर का बुढ़ा है, बिल्कुल करीब ही अपना घर तो। ओ मैं आगे चला गया। सर ये रहा। जी दिखाएं। ओए रॉन बुढ़िया आ गया अपना प्रॉपर्टी डीलर भट्टी। अच्छा आ गया? हाँ आ गया है। सर आप इसको तो जानते ही होंगे रॉन साहब को। जी मैं जानता हूँ। ओए रॉन क्या हाल है? जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप सुनाए? मैं तो ठीक हूँ। चलें सर आपको अपना घर दिखाता हूँ। सर ये देखें, ये सारी देखें इसकी हालत कैसे ख़राब हुई खड़ी है, सारा सामान कहाँ गया? मेरा ख्याल है रॉन ने हटा दिया। अरे रॉन बुढ़िया तूने सारा सामान हटा दिया है? हाँ जी ड्राइवर मैंने सारा सामान हटा दिया, आपने कहा था ना। तू भी यार जी भी कोई चीज़ है। चलें सर आपको दिखाता हूँ। सर ये देखें ये सारा सामान हटवा दिया मैंने, बस ना मैं चाहता हूँ ये ना किसी तरह आप रिफर्बिश करके ना इसे फुल नया बना दें किसी तरह। जी बिल्कुल ये हो जाएगा, उसका कोई इशू नहीं है। तो कितना होगा, चार्जेस क्या होंगे? सर कुछ खास चार्जेस नहीं है लेकिन खैर तकरीबन लग सकते हैं कोई 1 लाख तो लगेंगे सर, इसको बिल्कुल ही रिफर्बिश करना है ना।
इंस्टॉलमेंट्स पर नहीं हो सकता, किस्तों पर? बिल्कुल हो सकता है सर, कोई इश्यू ही नहीं है। बस आपको एक बार ना दौरा करवाना होगा मेरी पार्टी का, उसके बाद फिर हम इसको कर देंगे रिफर्बिश। फिर बेशक आप इंस्टॉलमेंट्स पर कराएं या फौरन दे दें। चले ठीक है। तो गाइस देख सकते हैं यार कितनी हालत ख़राब हुई खड़ी हमारे घर की। रॉन साहब ने भी सामान निकलवा लिया और अब ज़रा यार हमने करवाना है इसका काम, वो आके पार्टी देखेगी। तो यार अगली वीडियो में मुलाकात होती है, वीडियो कुछ ज़्यादा ही लंबी हो जाएगी। तो आई विल सी यू गाइस नेक्स्ट टाइम।